हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रेंड्स पे। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए और नेवी डबल SSR के लिए जो भी बुक महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बन रहे हैं, वह बुक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, जिसमें हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए लुसेंट सबसे बेस्ट बुक है एयरफोर्स के लिए, ठीक है। लुसेंट की बुक से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को जो क्वेश्चन मिले हैं वो इस बुक से आते हैं। आप देख सकते हैं इसकी बहुत ज्यादा खासियत है फ्रेंड्स। इस बुक की जो लुसेंट की बुक है वो अच्छी, सबसे अच्छी बुक है आज की डेट में, ठीक है। लुसेंट की बुक आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए। आपको फ्रेंड्स इसमें जो इंग्लिश के जो आपका टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं आपके इसमें जो एयरफोर्स के लिए, ठीक है, एयरफोर्स के जो आपके टॉपिक रहते हैं वह सारे टॉपिक्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपका सिंटैक्स आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंटैक्स से पूछा जाता है या एरर बेस पूछ लिया जाए या उसमें पूछ लिया जाए, पर एक क्वेश्चन आपका सिंटैक्स से पूछा जाना है। उसके बाद एक आपका आर्टिकल से क्वेश्चन बनता ही बनता है आर्टिकल से। तो आप जितने भी आर्टिकल है उन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो नाउन से भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो नाउन का एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन बनता भी है या नहीं बने नाउन से, लेकिन नाउन भी हमें कवर करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन से। प्रोनाउन का आपका सिलेबस में दे रखा है कि प्रोनाउन से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपका प्रोनाउन हो गया तो प्रोनाउन से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है यहाँ पे एडजेक्टिव से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन बनता है और आपका एक बनता है डिग्री इंटरचेंज से। हाँ, डिग्री इंटरचेंज से आपकी का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है। जो डिग्रियां आपकी पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री और रिमूव टू से आपका एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो, उसमें आपका रिमूव टू और डिग्री इंटरचेंज से आपका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है प्रीपोजिशन से, आपका क्वेश्चन बनना है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद आपके दो एंटोनिम्स हो सकते हैं, दो सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स में अगर कटौती कर दी जाए फ्रेंड्स, एक सिनोनिम्स एक एंटोनिम्स दे दिया जाता है और एक आपका वन वर्ड पक्का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ईडीएम से भी एक क्वेश्चन बनता है, आपका ईडीएम्स फ्रेज बनती है और एक आपका PQRS, ठीक है, PQRS से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आपके रह जाते हैं PQRS के बाद स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग से आपका एक क्वेश्चन दिया जाता है, चार स्पेलिंग दी हुई है, उसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि सही स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है। चार ऑप्शन होंगे आपके पास, आपको एक चूज करके सही स्पेलिंग है वो आपको एरर फाइंड आउट में बतानी होती है, चार में से एक बतानी है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका मिसलेनियस में, ठीक है, मिसलेनियस से क्वेश्चन देखने को बन जाते हैं। तो यही टॉपिक थे इंग्लिश में जिनसे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस की। तो मैथ के लिए फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाना चाहते हैं तो प्रतियोगिता साहित्य का एक प्रैक्टिस सेट आता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रतियोगिता साहित्य का आप यह प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं जिससे कि आपके जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उन्हें प्रतियोगिता साहित्य से क्वेश्चन फ्रेंड्स इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को खरीद लीजिएगा, इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है आपकी, इसका 60 से 65 रुपए का आपको ये मिलेगा और ये आपका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। और उसके बाद में अगर आप और भी प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो फ्रेंड्स ओनली 20 दे रखे हैं और उसके बाद भी आपका एक अमर उजाला का प्रैक्टिस सेट आता है, तो आप अमर उजाला का प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। इसमें भी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा करना है तो मैंने सारा प्रैक्टिस सेट आपको डिटेल बाय डिटेल अपने चैनल पे करा रहा हूँ, ठीक है। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड करता हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं जिससे भी आपको काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था आपका सिलेबस और मैंने आपको बुक बताई। आप लुसेंट की इंग्लिश के लिए आप लुसेंट खरीद सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो प्रतियोगिता साहित्य से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और आपकी अमर उजाला का भी प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप ज्यादा ही डीपली और ज्यादा लगाना चाहते हैं तो मैं सजेशन जो दूंगा वो आपका करतार का रहेगा, ठीक है। करतार का प्रैक्टिस सेट बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आज की जो करतार का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अच्छे मिल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप
करतार का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारे टाइम मैनेजमेंट है वो एग्जाम में सही नहीं बन पाता है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही आते हैं कि उनका जो टाइम टेबल है वो सही नहीं बन पाता, उसी की वजह से वो फेल होते हैं। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखना है और उसी के बेस पे अपनी तैयारी को अच्छी तरह से डील करना है, ठीक है। तो आप अपना प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाइएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स आप अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, नेवी, डबल SSR, MR या एयरफोर्स एक्स वाई की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके द्वारा मिस ना किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।